महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ गढ़वाल की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस परियोजना की चर्चा करने जा रहे हैं, उस परियोजना का नाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, तो माही नदी को आपने आठवीं क्लास में सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा था, फिर मैम ने पढ़ा था कि माही नदी को काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काठल की गंगा या आदिवासियों की गंगा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। देखिए माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण है वो माही नदी पर किया गया। सबसे पहले बात करते हैं किस नदी पर किया गया, किस नदी पर किया गया, माही नदी पर किया गया। अब माही नदी का जो उद्गम वही टॉपिक है कि यहाँ पर कौन सी प्रवेश करता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ना, यह यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 1600 किलोमीटर है, राजस्थान के साथ बनाता है। तो यहाँ से देखिए विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला में एक स्थान है जहां पर कौन सी पहाड़ी है, अमरोह की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ी है, वहां से इसका, यहां से किसका उद्गम होता है, माही नदी का उद्गम होता है। यह परियोजना देखिए दो राज्यों की परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की। आगे बात करते हैं, यह परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जो मैं बता चुका हूं पहले कि विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है नदी, अमरोह की पहाड़ी है वहां से नदी निकलती है, उस नदी की इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का निर्माण कार्य है वो 1971 में प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है, 1971 में प्रारंभ होता है इसका कार्य, 1971 में इसका कार्य क्या होता है, निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। इस परियोजना से संधि के प्रवाह मार्ग में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु, सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ की गई। इस परियोजना का निर्माण क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए राजस्थान के दो जिले हैं, नीचे नीचे बांसवाड़ा है, यहां पर कौन सा आता है, डूंगरपुर है। ये नदी यहां पर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के नाम कौन सा है, डूंगरपुर है। फिर करज रेखा को काटती है, यानी माही ऐसी नदी है जो करज रेखा को कितनी बार काटती है, दो बार काटती है। भारत में एकमात्र ऐसी नदी है, कौन सी ऐसी नदी है जो करज रेखा को दो बार काटती है, माही नदी है। कॉम्पिटिशन जो क्लासेज होती है कॉम्पिटिशन की, तो उनमें क्वेश्चन आता है, जीके का क्वेश्चन आता है। तो देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो आदिवासी क्षेत्रों के जो भील है, ग्रासिया है, कटोरी है, कंजर है, ये जो जनजाति यहाँ पर निवास करती है, मीणा है, कुछ मात्रा में निवास करते हैं यहाँ पर, ज्यादा नहीं करते हैं, तो उन क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग रहते हैं तो उनका आर्थिक सामाजिक विकास करने के लिए इस नदी का भी परियोजना का निर्माण किया गया है। कृषि का विकास करने के लिए है, विद्युत का उत्पादन करने के लिए है, इस परियोजना का निर्माण किया गया है। किसका, माही बजाज सागर परियोजना। क्लियर, ये इसका क्या है उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में स्थित जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी जो लोग हैं, उनका आर्थिक व सामाजिक विकास करने के लिए, साथ ही साथ विद्युत की आपूर्ति करने के लिए, जल पेयजल है, सिंचाई सुविधा के लिए जल की आपूर्ति करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नाम का स्थान, देखिए इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया गया है, यह नदी यहां से प्रवेश करती है,
जैसे आती है, इस नदी की लंबाई की बात करें तो राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबाई है इसकी। आदिवासियों की गंगा इसीलिए इस नदी को कहा गया है क्योंकि आदिवासी लोगों का आर्थिक विकास करने के लिए इसका निर्माण किया गया, इस योजना का निर्माण। तो यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा का स्थान है, बोरकुंड गांव का बोर के है, बोर के कौन सा स्थान है, वहां पर देखिए ओरखेड़ा नामक स्थान पर है। स्थान पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। ये ओरखेड़ा नाम तो यहां पर है वो माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है इस नदी पर, माही नदी पर। कौन से स्थान पर, ओरखेड़ा जो ग्राम है वहां पर। कुशलगढ़ कैसे है अपना बांसवाड़ा है, तो यहां पर इसका निर्माण किया गया है। तथा गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध का निर्माण किया गया। इसके अलावा देखिए पहले यहां पर कडाना बांध का निर्माण भी किया गया गुजरात में। कौन सा बांध है, ये लेख में आता है, जैसे लेख में आ गया, मानचित्र में आ गया कडाना बांध। कडाना बांध आपको अंकित कहां पर करना है तो पता नहीं है तो कहां पर करोगे, तो यहां पर गुजरात में। ठीक है, कौन सा स्थान है, यहां पर गुजरात है, और गुजरात का कौन सा स्थान है, कडाना। गुजरात में कडाना बांध का निर्माण भी किया गया है। ठीक है ना, तो पहले कडाना बांध, कडाना बांध के बाद में माही बजाज सागर बांध, इस पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। तथा नहर प्रणाली का विकास भी किया गया है, उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागरी पिक बांध का निर्माण भी किया गया। इसका जो मुख्य बांध है, मुख्य बांध कौन सा है, माही बजाज सागर, इसके नीचे कागदी बांध का निर्माण भी किया है, तीन बांधों का निर्माण किया है। विद्यार्थी गौर करें, देखिए माही बजाज सागर योजना है, इसका निर्माण माही नदी पर किया गया, इसको आदिवासी गंगा काटा की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम अमरोध की विंध्याचल पर्वतमाला की अमरोध की पहाड़ी से होता है। थोड़ी दूर प्रवाहित होने के बाद में गुजरात में इसका कडाना बांध का निर्माण किया गया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर बोरखेड़ा, इसको बरखेड़ा या बोरखेड़ा के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा में, वहां पर इसका माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। और इसके जस्ट नीचे एक पिकअप यानी लिफ्ट नहर जो बांध होता है, पिकअप बांध का निर्माण किया गया है, जिसको कागदी पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है। 500 मीटर नीचे, लगभग कितने मीटर नीचे, 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप का बांध का निर्माण किया गया है इस बांध से, माही बजाज सागर बांध से। और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर दो विद्युत घरों का भी निर्माण किया गया। तथा यहां पर देखिए दो विद्युत घरों की भी स्थापना की गई, विद्युत घरों की भी स्थापना की गई है। कहां पर की गई है, माही बजाज सागर जो कागली पिकअप बांध है यहां पर, इसके अलावा कडाना जो बांध है यहां पर, दो विद्युत घरों की भी स्थापना की गई है जिनके द्वारा है वो विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तो जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको अच्छी तरह से समझिए। धन्यवाद।